क्या नाम है आपका? मंगेश अरुण पाटिल। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। मंगेश अरुण पाटिल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन जिला से? वर्धा। वर्धा जिला से। आप कहाँ जॉब करने के लिए आए हैं? SIS। SIS में कहाँ पे? SIS पे हैदराबाद सेंटर। हैदराबाद में। तो अभी आपको कैसा लग रहा हैदराबाद में SIS ज्वाइन करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? हाँ। कि अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। आई एम हैप्पीनेस। चेहरे पे तो स्माइल नहीं है आपका सर। स्माइल क्या है सर, आता रहेगा। कभी अभी धूप के दिन चालू है सर थोड़ा। अच्छा, धूप के कारण स्माइल गायब हो गया है। हाँ सर। अच्छा, SIS में आने से पहले आप क्या करते थे? मैं सर SIS में आने से पहले मैं मेरे गांव के नज़दीक एक फैक्ट्री है, वहाँ पे गार्ड का काम करता था। अच्छा, गार्ड का काम पहले से आप करते थे? हाँ सर। तो गार्ड का काम कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है। इसमें तो खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है ना सर, चलेगा चलेगा। अच्छा लगता है। कर लेते हो? हाँ सर। कितने घंटे खड़ा रह के ड्यूटी कर सकते हो? करीब 16 घंटे खड़े रह सकते सर। 16 घंटे खड़े रह सकते हो? हमारे इधर डबल भी करना पड़ता कभी कभी। अरे वाह, ये तो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो यार आप। हाँ सर। चलो, आदमी 8 घंटा करने में समस्या उसको होता है, आप 16 घंटा कर लेते हो, ये सुन के अच्छा लगा। और ये कितना दिन तक करने का प्लान है आपको SIS में? कितना दिन करना चाहोगे? यानी यहाँ पेमेंट अच्छा मिलेगा सर, यानी वैकेंसी भी अच्छी है यहाँ के, तो मैं देखूंगा सर 2-4 साल, 5 साल, 10 साल ही नहीं। और जीवन में क्या करना चाहते हो? SIS में ही मतलब आगे बढ़ना चाहते हो? जैसे अभी आप गार्ड हो, आप सुपरवाइजर बन सकते हो, आप ASO या ASO या एरिया ऑफिसर तक भी जा सकते हो अगर आप में उतना काबिलियत हो तो। तो क्या सोचा है, SIS में कुछ दिन करके छोड़ देना है या फिर इसी में आगे का भविष्य तलाश करना है? इसी में आगे का भविष्य तलाश करना है सर। तो आगे का भविष्य कैसे तलाश होगा, कैसे आपका प्रमोशन होगा? मेरा प्रमोशन तो सीनियर का बात मान के, सीनियर के ऑर्डर फॉलो करके, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाने से। अपने ड्यूटी अच्छे से निभाने से और जो सीनियर का काम है। हाँ सर। उसका काम सीख के, आखिर सीनियर क्या काम करता है कि वो सीनियर है, उसके काम को सीखोगे तब तो आप सीनियर बनोगे। यस सर। समझ में आ रहा है? जैसे आप आज गार्ड हो, गार्ड से सुपरवाइजर बनना चाहते हो, तो सुपरवाइजर का क्या काम होता है वो तो आपको जानना पड़ेगा। यस सर। कि क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है ना। ASO का क्या काम होता है, उसका काम को सीखोगे तब तो। यस सर। है ना। यस सर। बाकी और जो नए लोग SIS में आना चाहते हैं उसको क्या कहना चाहोगे? उनका स्वागत है, उनको करना चाहिए। अच्छा कंपनी है, मल्टी नेशनल कंपनी है और इसमें लाइफ है। थोड़े दिन करना, यानी कैसे सब कुछ सीखना पड़ता है, एकदम से कोई ऑफिसर पोस्ट नहीं मिलती। धीरे धीरे करोगे तो बहुत आगे जाओगे, उतनी काबिलियत, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इसमें। चलो, बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप SIS में लंबा दिन टिकें और आप आगे पोस्ट में और तरक्की करते जाएं। आज गार्ड हैं, कल सुपरवाइजर बने, ASO बने, एरिया ऑफिसर बने। आपका भविष्य का कामना करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें।